अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन क्राफ्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, खुश रखे। जी वीडियो जो है बहुत देर के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो बस भी घूमना फिरना खाना पीना, मैं क्या हूँ जी, बस उनको टाइम देना है वीडियो शीडियो ने छोटो पर। तो जी ये मैं स्टीम रोस्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने चिकन के ना 16 पीस करवा लिए थे, वो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ना बड़े परफेक्ट रहते हैं। चिकन को मैंने इस तरह से कट लगा लिया और ये एक रात पहले का वाकया है, यानी कि जिस दिन मैंने रोस्ट बनाना था ना उससे एक रात पहले मैंने इसको इस तरह से कट वड के ना मैरिनेट करके रख लिया था। तो जी ये चिकन को लग रही हैं कट, इसके साथ जो है चिकन के अंदर बहुत अच्छा मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही मज़े का चटपटा चटखारा ज़बरदस्त रोस्ट आपका रेडी होता है। इसको मैंने किया था ओवन में बेक। अब जिन लोगों के पास ओवन नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक पतीला लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसमें चिकन सारा एडजस्ट करके ना रख देना है, तवे के ऊपर पतीले को रख दें, पतीले को ढक दें और फिर एक घंटे बाद उसकी जो वो साइड पलट दें और 10 मिनट और दें और जी आपका जो स्टीम रोस्ट है ना रेडी हो जाएगा। जी यहाँ मैंने दही लिया 3 सर्विंग स्पून, बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना, मतलब मेरे पास चिकन के तकरीबन 8 पीसेस थे उनके लिए मैंने 3 सर्विंग स्पून लिए दही के। इसके अंदर मैंने बहुत सिंपल मसाले डाले, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मसाले जो है ना वो थोड़े कम रखा करें ताकि चीज़ का ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहे। यहाँ मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो था वो लाल मिर्ची डाल दी थी और 1 टेबल स्पून जो था वो सॉल्ट डाला था, आप इसको अपने जायके के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो उसके साथ मैंने इसमें डाला था 2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा जनाब इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली और इतना ज़बरदस्त वधिया किस्म का रोस्ट बन के रेडी हुआ था ना, जो मेहमान भी आए थे ना वो भी वाह वाह करते रह गए थे। तो मैं हमेशा जो है ना चीज़ को सिंपल तरीके से बनाती हूँ ताकि चीज़ का ओरिजिनल जायका जो है ना वो ख़त्म ना हो। बस लोगों को मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा मसाले मसूले डाल देते हैं जिसकी वजह से चीज़ का अपना जायका तो रहता कोई नहीं है, मसाले बेचारे भूखा शुक्का मारते रहते हैं। तो ये इसके अंदर दही को अच्छी तरह से हमने फेंट फूट लिया। अब चिकन को ना अंदर डाल के आपने अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, चंगी तरह इधर मसाज करना है, फिशर करना है, जो कट्स हैं इसके अंदर आपने ना दही जो है ना इसको लगा देना है ताकि चिकन जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का चटपटा जो है ना तैयार हो। अच्छा दही आपको अगर थोड़ा लग रहा है ना तो आपने परेशान नहीं होना, होर बिच पानी पूनी दही दही ना सिट दई हो, 8 पीसेस के लिए 3 सर्विंग स्पून काफ़ी है। इसमें आपने बस ना इसको ऊपर नीचे चिकन को करके ना अपने चिकन को अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये इसको मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। अब अगले दिन का वाकया शुरू होता है जनाब। मैंने ली एक बेकिंग डिश, आप जो हैं वो किसी भी किस्म की डिश ले सकते हैं, आप उसकी एलुमिनियम की ले लें, ग्लास की ले लें, जो थोड़ा दिल करता ले लो। तो मेरे पास तो जनाब यही है, मैंने ये ले ली। इसको अच्छी तरह से मैंने किया ग्रीस। अब इसके अंदर मैंने चिकन को करना है फिट। अगर आपका चिकन फिट नहीं आ रहा तो कोशिश करके एडजस्ट कर लो, अगर जो है वो ज़्यादा है तो फिर आप एक और ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो एक ही ट्रे में एडजस्ट कर लिया था, मैं क्या वैसे भी ऐसे एडजस्ट करने से माहिर हूं, हम लोग जो है ना वो चीज़ों को एडजस्ट कर भी लेते हैं और एडजस्ट हो भी जाते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे इंसान को होना चाहिए। तो जनाब ये मैंने चिकन अपना अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया था और ओवन को ना मैंने 15 मिनट पहले जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन कर दिया था। आपने ओवन को 180 पे नहीं करना, अगर आपका मैक्सिमम जो है वो 200 है तो 200 पे कर दें, अगर मैक्सिमम जो है वो 230 है तो उस पर कर दें, लेकिन अपने ओवन की हीट के मुताबिक कीजिएगा, ये ना हो कि चिकन तुम साड़ सूड़ के रख लो। तो मैंने जो है ना इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट पहले छोड़ दिया था ऑन करके। अब यहाँ पे जी एक आधा पीस मेरा रह गया, इसमें कह तेरे लिए मैं एक और डिश नहीं करनी, एच ही एडजस्ट हो, मैंने उसको इसी में एडजस्ट कर दिया। तो ये रेडी थी ओवन में जाने के लिए। अब यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ, वो लोग जिन्हें कंप्लेंट होता है कि ओवन में जब हम रोस्ट बेक करते हैं ना तो चीड़ा चीड़ा हो जाता है, तो उसकी ये टेक्निक है कि आपने एक बाउल या एक डिश जो है ना उसको हाफ पानी से भर कर ओवन में डाल देना है। मेरे ओवन में जो है ना वो एक ग्रिल है, जिनके ओवन में 2 ग्रिल होती हैं उनकी तो मौजे हैं, वो एक ग्रिल में ये डिश रख दें पानी वाली और दूसरे में रख दें रोस्ट। अब मैंने जो था वो ट्रे के ऊपर इस डिश को रख दिया था और जो रोस्ट है उसको मैं ग्रिल के ऊपर, वो मेरा मानो भागा जा रहा है, इसको मैंने गरम गरम ना ड्राया हुआ है, वरना एक दफ़ा इसने ऐसे ही ओवन पे हाथ लगा लिया था तो इसके छाले बन गए पूरे हाथ पे। तो अब इसको मैं ना ड्राया कि गरम है तो भाग जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 1 घंटे के बाद डिश को निकाला बाहर और इसकी साइड्स जो थी ना वो चेंज कर दी। अब साइड चेंज करने के बाद इसको मैंने ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट मैंने ओवन में रखा और फिर मैंने इसकी ना ऊपर वाली जो ग्रिल है ना उसको ऑन कर दिया था।
तो ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया दोबारा, और ओवन मैंने कर दिया था बंद। अब यहाँ पे मैं इसकी ऊपर वाली ग्रिल ऑन करूँगी। ग्रिल ऑन करने का मकसद है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना कलर सा आ जाता है अच्छा सा। तो ये मैंने की इसकी ग्रिल ऑन, और 15 मिनट के लिए ग्रिल के साथ रख दिया। अब मेरी जो है ना वो ओवन की लाइट ठीक नहीं है, और मेरे बेटे ने ख़राब कर दिया, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसलिए मैंने सही करवाई भी नहीं, वरना आपको बहुत क्लियर नज़र आना था। 15 मिनट के बाद ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट रेडी हो गया है, इसको डिश आउट करें। सॉरी आज पता नहीं गले ने की हुआ। तो ये जी मैंने डिश जो थी ना अपनी पहले से ही प्रिपेयर करके रख ली थी, इसमें सलाद के पत्ते और सैलड सुलड डाल दिया था, उसके बाद मैंने चिप्से भी डाल दिए इसके ऊपर ना, क्योंकि मेहमान जो थे ना वो थोड़े इस तरह के टाइम पर पहुंचे थे कि ना वो खाने का टाइम था ना चाय का टाइम था, तो साथ वो सैंडविच पड़े नज़र आ रहे, वो भी मैंने रेडी कर लिए थे। तो मैंने कहा कि चलो जी इस तरह का ना एक प्लेट रेडी कर लेती हूँ, तो ये एक अच्छी डिश हो जाती है। इसी तरह से अगर कभी चाय पे हम मेहमानों को बुलाएं तो ये प्लेट रेडी कर लें और ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट इन्जॉय करें और अपने घर में ज़रूर बनाएगा।